हेलो फ्रेंड, शुभ प्रभात। मैं सोनू जमियाल आप लोग का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो बड़ों को मेरा प्यार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो है आज एकादशी और मैं आज बनाने वाली हूँ चावल की रोटियाँ। मतलब हमारे पहाड़ में उसको छोई बोला जाता है और जगह पता नहीं क्या बोलते हैं, पहाड़ में तो छोई बोला जाता है। तो चावल का जो पेस्ट बना के बनाते हैं आज मैं बना रही हूँ। फिर उसके बाद मैं आप लोग को मिलाऊंगी जो हमारे घर नन्ना मेहमान आया है उससे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो मैं फटाफट कर लेती हूँ नाश्ता रेडी और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप लोग भी ट्राई करना फिर घर में। वैसे बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी बनाते हैं, लेकिन जो नहीं बनाते हैं वो लोग ट्राई करना। और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके लिए क्या क्या सामान यूज़ होता है और इसका पेस्ट कैसे बनाया जाता है और कैसे इसको बनाया जाए जो बिना फटे बन जाए। तो चलिए करते हैं सामान रेडी, फिर मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। चावल का आटा, इसमें मैं ऐड करूँगी ओनियन बारीक कटा हुआ एंड ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैंने बहुत कम ऐड करी है क्योंकि फैमिली में और मेम्बर्स मिर्ची बहुत कम खाते हैं। और इस पर ऐड करूँगी मैं ये है जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट। ये चीज़ें ऐड करी एंड सॉल्ट नमक स्वाद अनुसार आप लोग जितना खाते हैं। और इसमें ये धनिया पाउडर एंड हल्दी और थोड़ा सा अजवाइन, क्योंकि ये थोड़ा ऑयली होता है तो उसमें अजवाइन पड़ता है ताकि इसका टेस्ट अच्छा आए। और लास्ट में इसमें ऐड करूँगी कोरिएंडर बारीक कटा हुआ। अब इन सबको मिक्स करूँगी वाटर के संग। और चलिए मैं इसका पेस्ट बना के फिर आपको दिखाती हूँ। पेस्ट रेडी हो गया है, अब मैं इसको बनाऊँगी। घी, इसको मैंने गला के पहले से ही रखा था क्योंकि इसमें घी यूज होता है तभी इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो ये वन साइड मैंने ऐसे डाल दिया है, अब मैं इसको वन साइड पकने दूंगी अच्छे से। जब ये वन साइड पक जाएगा तभी मैं इसको पलटूंगी, नहीं तो अगर जल्दी पलटूंगी तो ये टूट जाएगा। ये पता नहीं है, जब ये पक जाएगा तो ये खुद ही साइड छोड़ देगा अपनी, बिल्कुल फटेगा नहीं, इसलिए थोड़ी देर इसका पकने का। ये देखिए ये देखिए पूरा पक जाता है अच्छे से, तो ये फटता नहीं है, आराम से पलटा जाता है। तो अब मैं ऐसी जैसे ये ब्राउन है वैसी बैक साइड भी इसको ब्राउन होने दूंगी तभी निकालूंगी, नहीं तो ये कच्चे रह जाते हैं। तो चलिए मैं बनाती हूँ सारे, फिर दिखाती हूँ आपको सब करके। जब ये ब्राउन हो जाए तभी निकालना चाहिए, नहीं तो ये कच्चा रह जाता है, इसलिए मैं इसको हल्का सा ब्राउन होने दूंगी उसी के बाद मैं निकालूंगी। ये ऊपर से तो ब्राउन हो गया है बट ये नीचे से अभी थोड़ा और पकना बचा है, तो मैं ये नीचे से इसको थोड़ा थोड़ी और देर पकाऊंगी। देखिए अभी नीचे से भी पक चुका है और ऊपर से भी पक गया है। तो ये देखिए हमारी भोजन थाल तैयार हो गई है। ये है चावल की रोटी, छोई, गोभी की सब्जी और अचार। तो मैं इनको देके आती हूँ। गाइस कैसे हो? ये हमारे फैमिली का नया मेंबर टफी, और हम इसकी अच्छी अच्छी वीडियो बना के आपको देंगे, अच्छी अच्छी वीडियो। जो अगर आपको अच्छी लगी तो इनको शेयर एंड लाइक कीजिए। और हम
टफी की आपको बहुत अच्छी अच्छी और फनी वीडियोस दिखाएंगे। ठीक है सर, देखो टफी नहा के आ गया, टफी नहा के आ गया। ये देखो टफी कितना प्यारा है। तो दोस्तों फाइनली मेरा सारा काम हो गया है मॉर्निंग का, लेकिन आज मॉर्निंग का काम पूरा होते होते 12:30 हो गया और मेरा दिन का काम स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मुझे अब बनाना है, दिन के खाने की तैयारी करनी है। आज बच्चे घर में थे तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया, इसीलिए इतना लेट हो गया। तो मैं करती हूँ अब दिन के खाने की तैयारी और थोड़ा बाहर का काम भी बचा है वो भी पूरा करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हमको सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम अच्छे अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए आप करते हैं ब्लॉग को स्टॉप, बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं कल को एक नए ब्लॉग के साथ।